आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कंप्यूटर का सेटअप कैसे किया जाता है, कैसे आप कंप्यूटर के सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और यूपीएस को सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा नए कंप्यूटर का सेट है। आज हम इसी कंप्यूटर का अनबॉक्सिंग और सेटअप करेंगे। ये हमारा यूपीएस है। मैं सबसे पहले इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ। हमारा यूपीएस अनबॉक्स हो चुका है। ये हमारे यूपीएस का पावर केबल है। मैं इसे भी साइड कर देता हूँ। अब मैं अपने मॉनिटर को अनबॉक्स करूंगा। ये हमारा मॉनिटर है। मैं इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ। ये हमारे मॉनिटर का स्टैंड है। ये हमारे मॉनिटर का केबल्स है। ये हमारे मॉनिटर का पावर केबल है, जिससे हमारे मॉनिटर में पावर आता है। और ये वीजीए केबल है, जिससे हमारे मॉनिटर में वीडियो आता है। ये मॉनिटर का स्टैंड है। इसे मैं इस तरह कनेक्ट कर लेता हूँ। यहां से मैं इसे सिंपली टाइट कर लूंगा। हमारा मॉनिटर अनबॉक्स हो चुका है। अब मैं अपने कीबोर्ड माउस को अनबॉक्स करूंगा। ये हमारा कीबोर्ड और माउस है। मैं इसे अनबॉक्स कर लेता हूं। कीबोर्ड और माउस अनबॉक्स हो चुका है। ये हमारा माउस पैड है। मैं इसे भी निकाल लेता हूँ। अब मैं अपने सीपीयू को अनबॉक्स कर लेता हूँ। ये हमारा सीपीयू है। ये हमारे सीपीयू का पावर केबल है। हमारा सीपीयू अनबॉक्स हो चुका है। अब हम पूरे डेस्कटॉप का कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम यूपीएस को अपने पावर सॉकेट में कनेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास यूपीएस नहीं है और आप अपने कंप्यूटर को डायरेक्ट यूज करना चाहते हैं, तो वीडियो को देखते रहें। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कंप्यूटर को बिना यूपीएस के कैसे कनेक्ट किया जाता है। ये मॉनिटर का पावर केबल है। मैं इसे अपने यूपीएस में कनेक्ट कर लूंगा। और ये दूसरे पोर्ट को अपने मॉनिटर में कनेक्ट कर लूंगा। ये वीजीए केबल है, जिससे हमारे मॉनिटर में वीडियो आता है। इसे आप इस तरह मैच करा के अच्छी तरह कनेक्ट कर ले और इसे अच्छी तरह टाइट कर ले। ये हमारे सीपीयू का पावर केबल है। मैं इसे अपने यूपीएस में कनेक्ट कर लेता हूं। और दूसरा पोर्ट अपने सीपीयू में कनेक्ट कर लूंगा। ये वीजीए केबल का जो दूसरा पोर्ट है, उसे आप अपने सीपीयू में अच्छी तरह मैच करा के कनेक्ट कर ले और इसके नट को अच्छी तरह टाइट कर ले। अब मैं अपने कीबोर्ड को सीपीयू में कनेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह हम माउस को भी अपने सीपीयू में कनेक्ट कर लेते हैं। हमारे कंप्यूटर का कनेक्शन हो चुका है। अब मैं अपने कंप्यूटर को ऑन करके चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं अपने यूपीएस को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ मॉनिटर के नीचे एक पावर बटन होता है, जिससे आप मॉनिटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने सीपीयू को ऑन कर ले। हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है।
यहाँ आप देख सकते हैं मॉनिटर के लेफ्ट साइड में मॉनिटर का स्क्रीन सही से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने नया कंप्यूटर सेट किया है, तो इसीलिए हमें मॉनिटर का स्क्रीन एडजस्ट करना होगा। यहाँ आपको मॉनिटर में एक ऑटो का बटन मिलेगा, उसे आप प्रेस कर दें। हमारा मॉनिटर का स्क्रीन एडजस्ट हो चुका है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास UPS नहीं है तो आप बिना UPS के कंप्यूटर को कैसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर को ऑफ कर लेता हूँ। अब मैं UPS का कनेक्शन यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ आप मॉनिटर और CPU के पावर केबल को डायरेक्ट एक्सटेंशन कोड में कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह आप किसी भी कंप्यूटर का सेटअप कर सकते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने ये वीडियो बना रखा है। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल न्यू कंप्यूटर लिंक में आपको कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। हम इस चैनल पे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर और CCTV कैमरे से रिलेटेड कई सारे वीडियो बनाते रहते हैं, जिसे देखकर आप बेसिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मुझसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।